दोस्तों, आप सभी को अपने फेवरेट सिंगर की आवाज सुनना तो काफी पसंद होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कारण आप अपने फेवरेट सिंगर की आवाज को सुन पा रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किस तरह हुआ था और इतिहास में रिकॉर्ड की गई सबसे पहली आवाज कैसी थी? या फिर क्या आपको इंसान के इतिहास में रिकॉर्ड की गई सबसे डरावनी और मिस्टीरियस रिकॉर्डिंग के बारे में पता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंसानी इतिहास की कुछ ऐसी ही 7 रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं, जिनमें अंतरिक्ष यात्रियों और दूसरे देशों के जासूसों और यहाँ तक कि सोलर सिस्टम के ग्रहों की मिस्टीरियस और डरावनी आवाज शामिल है, जो सच में किसी को भी डराने के लिए काफी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। नंबर 1, आउ क्ले डीला लूने। अभी आप जो डरावनी आवाज सुन रहे हैं, यह दुनिया की सबसे पहली रिकॉर्ड की गई आवाज है, जिसे 1857 में एडवर्ड लियोन स्कॉट डी मार्टिनविल द्वारा बनाए गए फोनाटोग्राफी में रिकॉर्ड किया गया है। यह दुनिया की सबसे पहली रिकॉर्ड की गई आवाज आज से लगभग 160 साल पहले रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें एडवर्ड एक गाना गा रहे हैं। पर अफसोस की बात है कि उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई इस रिकॉर्डिंग मशीन में अपना गाना शायद कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि इस मशीन में केवल आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता था। रिकॉर्ड करने के बाद उसको प्ले करके उस आवाज को वापस से सुना नहीं जा सकता था, इसीलिए 1 सदी से ज्यादा समय पहले रिकॉर्ड की गई 160 साल पुरानी इस आवाज को एक रिसर्चर की टीम ने सन 2008 में डिजिटल साउंड प्रोसेसर की मदद से प्ले किया, और उसके बाद ही हमें यह इंसानी इतिहास की सबसे पहली डरावनी रिकॉर्डिंग सुनने को मिल पाई। नंबर 2, द स्पेस रेस। 1961 की कोल्ड वार के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया के बीच स्पेस रेस में दोनों देशों द्वारा ऐसे कई मिशंस किए गए जिनके रिजल्ट काफी भयानक निकले, जिनमें या तो लोगों की जान गई या फिर सरकार को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कभी भी इस फेल्ड मिशन की जानकारी इन देश के लोगों तक नहीं पहुंची। अभी मैं आपको जो ऑडियो सुनाने वाला हूँ, वह भी कोल्ड वार के दौरान की ही है। अभी आप जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, यह सोवियत यूनियन के एक स्पेसक्राफ्ट की है, जिसमें एक महिला मौजूद थी, जिसकी आवाज आप इस रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग के मुताबिक ये महिला सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट द्वारा अंतरिक्ष की ओर जा रही है, लेकिन इस दौरान उसके स्पेसक्राफ्ट में परेशानी के चलते आग लग गई, और इस रिकॉर्डिंग में महिला चिल्लाते हुए पृथ्वी पर बैठे सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों को यही बता रही है कि उसे स्पेसक्राफ्ट में काफी गर्मी लग रही है। वैसे तो यह रिकॉर्डिंग रशियन भाषा में है, लेकिन अगर इसे ट्रांसलेट किया जाए तो वह महिला साफ साफ कहती है कि मुझे गर्मी महसूस हो रही है, मुझे गर्मी महसूस हो रही है, 32 32 41 41, क्या मैं गिर रही हूँ? यस यस, मुझे गर्मी महसूस हो रही है। जिसके बाद वह रिकॉर्डिंग एकदम से कट जाती है, जिसका मतलब है कि इस दौरान स्पेसक्राफ्ट में एक बड़ा विस्फोट हुआ होगा और वह महिला स्पेसक्राफ्ट में मारी गई होगी। इस रिकॉर्डिंग को इटली में रहने वाले दो भाई ने अपने कुछ सिंपल रेडियो सेटअप की मदद से रिकॉर्ड किया था। इन दोनों भाइयों को स्पेस से आने वाली आवाजों को सुनना बहुत पसंद था। वैसे कभी भी सोवियत यूनियन या फिर रशिया ने इस रिकॉर्डिंग पर कुछ नहीं कहा है, और ना ही इस रिकॉर्डिंग में बोल रही महिला के बारे में कभी कोई डिटेल बाहर आई है। नंबर 3, थॉमस एडिसन वॉइस रिकॉर्डिंग। यह रिकॉर्ड की गई आवाज ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एडिसन की है, जिसे उन्होंने छोटे बच्चों के लिए सन 1922 में खुद से रिकॉर्ड किया था। हाँ, वह बात अलग है कि ये रिकॉर्डिंग क्रिसमस की बधाई की जगह एक डरावनी आवाज ज्यादा लगती है, और जिस भी बच्चे ने उस समय इस आवाज को सुना होगा, शायद उसकी क्रिसमस और भी ज्यादा खराब हो गई होगी। थॉमस एडिसन ने सन 1857 में फोनाटोग्राफी मशीन बनाई थी, जिसमें केवल आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता था, पर हम उस रिकॉर्ड की गई आवाज को सुन नहीं सकते थे।
और उस समय किसी भी रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए कोई ऐसी तकनीक नहीं थी। तब थॉमस एडिसन ने सोचा कि वह खुद एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिसमें रिकॉर्ड की गई आवाज को सुना भी जा सकेगा। इस तरह फोनाटोग्राफ मशीन के बनाने के 23 साल बाद सन 1877 में थॉमस एडिसन ने दुनिया का पहला साउंड प्लेयर बनाया जिसे टेलीग्राफ या टेलीफोन के नाम से जाना जाता है। इस मशीन में हम साउंड को रिकॉर्ड करके उसे सुन सकते थे। तब थॉमस एडिसन ने सोचा कि मुझे बच्चों के लिए कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए और यह डरावनी आवाज वही है जिसे थॉमस एडिसन ने रिकॉर्ड किया था। भले ही वह क्रिसमस पर सेंटा की तरह बात करके बच्चों को खुश करना चाहते थे, लेकिन इस आवाज ने बच्चों को खुश करने के बजाय उन्हें और भी डरा दिया। नंबर 4, साउंड ऑफ एलियन वर्ल्ड। 1997 नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम काइजिन हाइजेंस था, जिसे हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह सैटर्न के ऑर्बिट में भेजा गया था ताकि यह वहां से ठंड के एटमॉस्फेयर और उसकी रिंग्स पर डिटेल्ड रिसर्च कर सके। इस दौरान 2005 में इस स्पेस क्राफ्ट में मौजूद लैंडर को सैटर्न के चंद्रमा टाइटन पर भी उतारा गया। इसी दौरान लैंडर में लगे रिकॉर्डर ने कुछ ऐसी मिस्टीरियस आवाजों को रिकॉर्ड किया। जिनका आज भी साइंटिस्ट के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ वैज्ञानिक इसे उस चंद्रमा पर चलने वाली एटमॉस्फेरिक हवाओं की आवाज बताते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक इसे एलियंस की आवाज बताते हैं। पर सच बात तो यही है कि आज तक हमें इस रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। नंबर 5, ऑपरेशन द वंडरिंग सोल। ऑपरेशन द वंडरिंग सोल अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम में युद्ध के दौरान शुरू किया गया ऐसा डरावना मिशन था जिसमें अमेरिकी सैनिक वियतनाम के जंगलों में छुपे दुश्मन सैनिक को डरा कर बाहर निकालने के लिए डरावना म्यूजिक बजाते थे। अमेरिका का यह मिशन काफी कामयाब रहा क्योंकि इसे सुनने के बाद कई वियतनामी सैनिक इतने ज्यादा डर जाते थे कि वह जंगल से बाहर निकल आते थे, जहां अमेरिकी सैनिक उन्हें पकड़ लेते थे या मार देते थे। वियतनाम के लोगों का इन आवाजों से डरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वियतनाम के कल्चर में कहा जाता है कि जो आत्मा दर्द में होती है वह जंगलों में घूमती है, और अमेरिका ने वियतनामी सैनिकों के इसी डर का फायदा उठाया। कहा जाता है कि मिलिट्री इन आवाजों को ज्यादातर हेलीकॉप्टर में लगे लाउड स्पीकर के जरिए जंगलों के ऊपर से बजाती थी। इन डरावनी आवाजों को ही द वंडरिंग सोल नाम दिया गया है। 1975 से 1995 तक इस आवाज का बहुत उपयोग किया गया। नंबर 6, स्वेडिश रॉपसोडी। यह जो एंटीना आप देख रहे हैं इन्हें नंबर स्टेशन एंटीना कहा जाता है। इसे आप एक तरह का रेडियो स्टेशन भी कह सकते हैं क्योंकि यह एंटीना खास तरह की रेडियो वेव्स को काफी दूर तक भेजने के काबिल होते हैं। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यूरोप के देशों द्वारा एक दूसरे के देशों में मौजूद जासूसों से कॉन्टेक्ट करने के लिए किया जाता था। इस तरह की मशीनों की खास बात यह थी कि इन रेडियो सिग्नल को उस समय काफी आसानी से कैच किया जा सकता था, यानी दुश्मन चाहे तो अपने दुश्मन देश और उसके जासूसों के बीच चल रही बातों को सुन सकता था। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह थी कि यह सभी मैसेजेस एक खास तरह के नंबर सिस्टम में एनकोडेड होते हैं जिन्हें डिकोड करना काफी मुश्किल होता था। अभी आप जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं यह नंबर स्टेशन रिकॉर्डिंग है जिसमें एक यूरोपियन महिला जासूस रेडियो पर एक नंबर का एनकोडेड मैसेज भेज रही है। नंबर 7, द वॉव साउंड। अभी आप जो सिग्नल सुन रहे हैं इसे 1997 में बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप के जरिए ओहियो स्टेशन यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट ने कैच किया था, जिसे बाद में वॉव सिग्नल नाम दिया गया। इन्हें यह नाम देने के पीछे का कारण काफी सिंपल है। जब इस रेडियो सिग्नल को पहली बार सुना गया तो इसे सुनने वाले साइंटिस्ट ने सिग्नल को देखकर वॉव कहा था। इसके बाद से ही यही नाम मिल गया। इस सिग्नल की खास बात यह है कि यह सिग्नल यूनिवर्स के जिस हिस्से से आया है वहां पर ना तो कोई प्लेनेट है और ना ही कोई स्टार। अब आप सोच रहे होंगे
कि जब वहाँ कोई स्टार या प्लेनेट नहीं है तो ऐसी जगह से कोई रेडियो सिग्नल कैसे आ सकता है। तो इसका भी एक काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जिसमें साइंटिस्टों का कहना है कि हो सकता है कि यह सिग्नल किसी प्लेनेट से ना आया हो, बल्कि यह अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रही किसी एलियन स्पेसशिप का सिग्नल हो जो उस समय अंतरिक्ष के उस खाली हिस्से में मौजूद थी। वैसे सच्चाई जो भी हो, लेकिन आज भी यह सिग्नल एक मिस्ट्री है जो आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर सका है।